लेकिन जब हमारे कभी किसी ने सोचा ही नहीं क्या करें। जय बदानी, ख्याल कब आया था मैं जान दे दूंगा मियां के लिए। भाई मुझे 20 साल हो इनके साथ सपोर्टर बने हुए, 20 साल ऐसा इश्क कहां से आया। जब इन्होंने हमारी इन लोगों ने यहाँ की हेल्प की, काम किए, हमें बहुत दिली खुशी होती है। इश्क हो गया, बहुत फैसला किया, जान दूंगा। अब जब ये दिन आ गया, ये वक्त आ गया, हम क्या करें तो इनके लिए भूख भी बर्दाश्त कर ले। फिर कर रहे हैं कर हमें बोलो बोलो हमें यहाँ पे बोलो बोलो जी हाँ जी ये बोलो जी हो नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम। आप एक बात बताएं, आप थोड़ा भाई आगे आओ। मैं भाई के साथ अब बात तो सुनो। बहुत अच्छा बात है, ना गुस्सा खामा नारा नहीं मानना किसी का, नारा नहीं मानना। इमरान खान पूरी पाकिस्तान में देने हैं। इमरान खान बड़ा गैर बंदे मियां साहब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसा इंसान ही कोई नहीं है। इमरान खान गैर बंदे भाई, जब इमरान खान आया था इधर मुसीबत आया था, पूरा पाकिस्तान ही नहीं देने। इमरान खान गैर बंदे कैसे, बहुत चार बंदे चाहे तो अभी आप इधर हैं, हम भी पठान है, वो भी पठान है, हमारे इलाके के। तो बता जाएगा एक मिनट, अभी ये कहते हैं हम पठान है जिंदाबाद, बाद में कहते हैं नियाजी वो नियाजी हम पठान है, क्या कहते हैं बाद में, क्यों कहते हैं हम पठान है। इमरान खान बहुत अच्छे बंदे, इसकी जेल में बिठाए हुए ना। नियाजी क्यों बोलते हो, नियाजी क्यों बोलते हो, नियाजी नहीं है ये पठान है, ये वो छोड़ दो। इमरान खान अच्छा है तो वो बहुत ग्रेट बंदे है भाई, पूरी पाकिस्तान में तो मियां नवाज शरीफ भी तो अच्छा है। नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, दिया हुआ है कुछ नहीं है। इमरान खान गुड बंदे है। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या गुड बंदा, क्या किया उसने लाहौर के लिए, क्या किया बताओ, सब कुछ किया मुझे बताओ। मैं इमरान खान ने सारा पाकिस्तान का सोच है, ठीक है आवाम के। ये नवाज शरीफ ने अपने जी में सोच है वही, अपने अपने इन पैसा है क्या जी में डाले हुए, बस ये छुरी का सोच है। एक बात तुम्हें मैं बताऊं, पंजाब हुकूमत अब पंजाब की खिदमत के लिए 3200 स्कीमें शुरू कर रही है और 70 से 80 अरब रुपया लगा रही है। क्या ये नवाज शरीफ अपने घर लगाया, वो नजर नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं, मैंने कहा वो इनको नजर नहीं आएगा, ये लाहौर कलब ने सबकी नजर आ रहे हैं भाई। इमरान खान जो किया वो सबको नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने क्या किया, नवाज शरीफ ने अपनी तबीयत नहीं खराब किया, मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ का खुद तबीयत खराब हो गया, ठीक है, ये सारे चोरी का पैसा है। अब अभी पता चलेगा कि अभी पैसा किधर किधर गया, सारा पैसा लंदन में गया। लंदन में देख लो, लंदन में इतने मकान बना दिया, ठीक है, इन्हें लोग ने ये ब्यूश पड़ा हुआ इधर। अभी अरबपति बाप का बेटा है, अरबपति बाप का, अरबपति बाप के नहीं है ये, ये हमारे जिम में पैसा नहीं, हमारे जिम में ये टैक्स लगा दिया, इनने पैसा अमीर बन गया उनको। लाला उसका बाप खरबपति था नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का बाप का बेटा, नवाज शरीफ का बाप ने पहला, नवाज शरीफ का बाप ने पहला बर्फ खानम चौक में बर्फ बेचने पहला। चलो उसने नीचे से बात किया, फिर वो करप्टी हो गया, करप्टी हो गया, सारा करप्शन हो गया ना, फिर चल गया। इमरान खान सारा पाकिस्तान का सोच है, गरीब का सोच है। गुड इमरान खान जिंदाबाद, इमरान मेरा खून, मैं खून देने गया जिंदाबाद, तो बोल लो इमरान खान जिंदाबाद। किस किस गलत दबाओ, मैं मारे गए दबाओ गला, ये मेरे आप गलत, एक सेकंड हमारे खून का जरूरत है ना, मैं एक इंशाल्लाह आएगा ना, सारा डंडा पकड़ कर डूब जाएगा।
सीधे नीचे आ रहा है। कैदी नंबर 804 हर जगह में, कैदी नंबर 804 अमन जरगे में कल को जो उसे गद्दार कह रहे थे रात उसके साथ बैठे हुए थे, उसके साथ बैठे हुए थे वो अमीन गड्डापुर के साथ दाएं तरफ उसके बैठा था मोहसिन नकवी, बाएं तरफ फैसल कुंडी बैठा हुआ था। ये अवाम को लड़ाते हैं, कुछ नहीं देते अवाम को, कुछ नहीं दे रहे। ये मजदूरी अगर कर रहे हैं तो अपना कमा रहे हैं, हम अगर कर रहे हैं तो अपना कमा रहे हैं। मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ, पंजाब हुकूमत ने आपके, मरियम ने एक बात की थी मेरे बस चले सब कुछ आपके कदमों पे निछावर कर दूं। आपने पहले बात तो सुने, 3200 स्कीमें 70 अरब रुपया आप मरियम नवाजी साहब ने ताड़े कदमों पे निछावर करता जो हमें तो नजर नहीं आ रहा, हमें तो नजर नहीं आ रहा। एक उसने वादा किया था कि हम रेट देंगे आपको, बिजली पे रिलीफ देंगे, बात सुन ले पहले, बिजली में रिलीफ कहा था वो भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी खत्म हो गया, कुछ नहीं है। हम पाकिस्तान वालों के साथ हैं, जो पाकिस्तान का नारा लगाएगा हम उसके साथ। सर सवाल ये है, आपको उम्मीद नहीं है कि 70 अरब रुपया आपके कदमों में निछावर हो जाएगा? यार हमें उम्मीद क्यों नहीं है, वो कहते हैं तो बड़ी गल का उम्मीद ये है कि हम चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान के लिए करे, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो इमरान खान हो, कोई भी हो, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए, अगर कोई पाकिस्तान के लिए हम उसके साथ हैं। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर रह के गद्दारी करते है उसका सर कलम से जुदा होना चाहिए, सर दर्द से जुदा होना चाहिए। उनको छोड़ेगा अपनी मजदूरी वाल ध्यान दो, अफगानिस्तान जो आएगा उदू वेख लो, सामने मेहरबानी करो, बिलों का भी कंट्रोल करो, महंगाई बहुत ज्यादा, शुक्रिया। वो पूरा नून लीगी भाई जज्बात में, ठीक है चाचू आपकी आवाज आ गई।